मैच हिंदुस्तान ने जीता क्या, घसीटा है बल्कि श्रीलंका को, मारा है बहुत बुरी तरह. आई मीन लाइक बैटिंग आपकी टॉप क्लास परफॉर्मेंस दे रही है. इंडिया इज बिकमिंग अ रूथलेस साइड और यहां से ऑन स्लॉट इंडिया का नहीं रोका जा सकता. और सूर्या कप्तानी में उन्हें बताना था कि यार मैं कैसी इनिंग खेलता हूँ. श्रीलंका को वैसे भी सूर्या छोड़ता नहीं है, लेकिन जो आगाज आज शुभमन गिल ने दिया, जो आगाज यशस्वी जायसवाल ने दिया, वो काबिले तारीफ था यार. उस आगाज ने बड़ा कमाल किया है. तो भाई यंग इंडिया का पहला मुकाबला था और उस मुकाबले में यंग इंडिया ने क्या आग लगाई है, क्या इंटेंट दिखाया है श्रीलंका के सामने उनके घर में. बेटा जितने तेरे बाबर और रिजवान 15 ओवरों में रन करते हैं ना, उतने गिल और जायसवाल 6 ओवरों में करके गए हैं. जितना तेरा वो घंटे का किंग और लिपस्टिक बुलेट 15 ओवरों में रन करके जाता है ना, उतना जायसवाल और गिल ने 6 ओवरों में किया है. और नया दौर है, नया इरा है. ये गौतम गंभीर कोच बने हैं, कप्तान अपना जनाब अब नया बना सूर्य कुमार यादव. तो पहले ही मैच में उसने 22 गेंदों में 50. दिस इज हाउ ही प्लेस, दैट्स व्हाई ही इज द नंबर वन रैंक बैट्समैन. मुझे तो उसकी जो रेंज ऑफ शॉट्स है वो अनबिलीवेबल नजर आती है. 74 रन्स का पावर प्ले आया, कमाल कर दिया. और गिल लेकिन आज जिस तरह वो मार रहा था, कोहरा डस चौका डस, जिस तरह छक्का मारा, जिस तरह पुल मारा. शुभमन को रन चाहिए थे, शुभमन ने रन किए, सारे बैट्समैन रन किए. बैट्समैनों की बात नहीं करूं, बैटिंग तो आपके पास बहुत है. और उसके बाद ऐसी जीत इंडिया के लिए और ऐसा हिंदुस्तान फेंटा लगा रहा है कि जिससे आई मीन लाइक दो राय नहीं हो सकती यार, कि दिस इज द बेस्ट टीम. सूर्या कुमार का तो आपको पता ही है, वो बदला लेने पर आए तो फिर वो कैसी झाड़ू फेरी है उसने आज असरंगा की बॉलिंग के ऊपर. आप ये देखिए पाकिस्तानी कुछ लोग पता सुबह क्या कह रहे थे कि आज इंडिया का पता चलेगा. आज तो कोहली भी नहीं है, आज तो रोहित भी नहीं है, आज तो ये भी नहीं है, आज तो वो भी नहीं है. बेटा कोई भी नहीं है बेटा, घंटे का किंग 6 में 74 करके गए हैं. वो आज कोहली नहीं है, रोहित नहीं है, तो देख लो फिर जो थे वो क्या करके गए हैं. नमस्कार दोस्तों, जय हिंद. दोस्तों आज पहले T20 में भारत ने श्रीलंका को हरा दिया है और भारत ने पहले इनिंग्स खेलते हुए 213 रन का टारगेट दे दिया था श्रीलंका को, जिसमें पावर प्ले में ही 74 रन आ गए थे. और जिस तेजी के साथ गिल और यशवाल ने बैटिंग किए थे वाकई काबिले तारीफ है. और उसके बाद आकर उनका साथ दिया था सूर्य कुमार यादव ने, उन्होंने भी 22 बॉल में 52 रन बना दिए है. और उसके बाद जो धीमे खेल रहे थे पंत वो भी अग्रेसिव नजर आए और इस तरीके से 213 रन बन गए. लेकिन श्रीलंका भी बहुत अच्छी बल्लेबाजी किया, लेकिन आखिरकार उनको जाकर विकेट गिरा तो जाकर भारतीय मैच जीता. तो इसको लेकर पाकिस्तानी भी टीम इंडिया की जमकर तारीफ कर रहे हैं. तो चलिए वीडियो देखते हैं, मैं मिलता हूं वीडियो के एंड पर. लेकिन 200 रन पार कर दिए और अपने शेर अक्षर पटेल ने 8वें नंबर पे बैटिंग करने के बावजूद जो है वो छक्का जो रसीद किया, आखिरी मजा आ गया. 5 गेंदे 10 रन. और सूर्या कप्तानी में उन्हें बताना था कि यार मैं कैसी इनिंग खेलता हूं. श्रीलंका को वैसे भी सूर्या छोड़ता नहीं है, लेकिन जो आगाज आज शुभमन गिल ने दिया, जो आगाज यशस्वी जायसवाल ने दिया, वो काबिले तारीफ था यार. उस आगाज ने बड़ा कमाल किया है. एक मूवमेंट था कि पंत ने पहली 13-14 बॉलों पे बहुत ही कम रन बना रखे थे और उसके बाद एकदम से जो है वो कहानी शुरू हुई. और फिर जो कहानी शुरू हुई तो कहानी फिर खत्म नहीं हुई. 8-7 से 213 कर गया इंडिया. तो ये मोर देन इनफ होते हैं भाई, पिच जितनी भी अच्छी हो. सूर्य कुमार का तो आपको पता ही है, वो बदला लेने पर आए तो फिर वो कैसी झाड़ू फेरी है उसने आज असरंगा की बॉलिंग के ऊपर. आप ये देखिए पंत की वजह जो है टीम में होने की, वो उसकी सक्सेस है यार. क्योंकि पंत भी एक सक्सेस है आपके लिए, बल्कि पंत ही सक्सेस है आपके लिए. जो टॉप 3 थे सूर्या गिल और जायसवाल, इनकी तेज बैटिंग की बदौलत ऋषभ पंत हैड अ चांस कि यार वो थोड़ा सा एक साइकिल ले, विकेट पे वक्त ले और फिर वक्त गुजारे. यंग इंडिया विराट कोहली नहीं था, रोहित शर्मा नहीं था, जसप्रीत बुमराह नहीं था. पाकिस्तानी कुछ लोग पता सुबह क्या कह रहे थे कि आज इंडिया का पता चलेगा. आज तो कोहली भी नहीं है, आज तो रोहित भी नहीं है, आज तो ये भी नहीं है, आज तो वो भी नहीं है. बेटा कोई भी नहीं है, लेकिन जिस तरह इंडिया की टीम आज खेली है, बेटा जितने तेरे बाबर और रिजवान 15 ओवरों में रन करते हैं ना, उतने गिल और जायसवाल 6 ओवरों में करके गए हैं. जितना तेरा वो घंटे का किंग और लिपस्टिक बुलेट 15 ओवरों में रन करके जाता है ना, उतना जायसवाल और गिल ने 6 ओवरों में किया है. पहले 6 ओवरों में यशस्वी जायसवाल और गिल ने 74 रन मारे, एक आउट था. 74 रन पावर प्ले में कभी सुना है? मैक्सवेल नहीं था खेल रहा, ट्रेवस हेड नहीं था खेल रहा, कौन खेल रहा था? गिल और जायसवाल, इंडिया के दो यंग टैलेंट. 74 रन मारे पहले पावर प्ले में, बेटा जिंदगी में कभी पाकिस्तानियों ने नहीं सुने होंगे. ये तो 15 ओवरों में करते हैं भाई. और उन 74 रन में गिल ने मारे हैं 16 बालों पे 34 रन, 5 चौके 2 छक्के. पावर प्ले में 36 बाले होती हैं और उन 36 बालों में टीम इंडिया ने 14 बाउंड्रीज मारी हैं, 14 बाउंड्रीज. बेटा ये वो है कि 2 विकेट गिरने के बाद भी ये टीम रुकी नहीं है. फिर स्काई ने 22 बालों पे 52 किया, मतलब 22 बालों पे 52 करके गया सूर्य कुमार यादव.
मतलब T20 क्रिकेट के पापा हैं वो, सही है ना। पाकिस्तान में कभी जिंदगी में भी स्काई जैसा प्लेयर नहीं आ सकता T20 क्रिकेट में, ना कभी आया था ना कभी आगे आएगा, ठीक है। फर्स्ट गेम एज अ कैप्टन थी उसकी, फर्स्ट गेम एज अ कैप्टन एब्सोल्युटली ब्रिलियंट बेटा, घंटे का किंग, 6 में 74 करके गए हैं वो आज। कोहली नहीं है, रोहित नहीं है, तो देख लो फिर जो थे वो क्या करके गए हैं। बेशक मुझे युगांडा के खिलाफ भी बाबर आजम की या पाकिस्तान टीम की ना पावर प्ले के कुछ स्टैट भेज दे, बेशक युगांडा मंगोलिया इनके अगेंस्ट भी कभी पाकिस्तान खेला ना, तो 6 ओवरों में 74 रन का मुझे कोई ना स्क्रीनशॉट भेज दो, पता चलेगा कि गौतम गंभीर बंदा किस माइंडसेट के साथ आया। उस बंदे ने आज बता दिया कि भाई मैं किस माइंडसेट के साथ आया हूं। और नया दौर है, नया इरा है, ये गौतम गंभीर कोच बने हैं, कप्तान अपना जनाब अब नया बना सूर्य कुमार यादव। तो पहले ही मैच में उसने 22 गेंदों में 50, दिस इज हाउ ही प्लेस, दैट्स व्हाई ही इज द नंबर वन रैंक बैट्समैन। मुझे तो उसकी जो रेंज ऑफ शॉट्स है वो अनबिलीवेबल नजर आती है, तो ये बहुत एक बेहतरीन तरीका कार है T20 क्रिकेट खेलने का। बेशक विकेट तो गिरते रहते हैं, जब आप तेज खेलेंगे, जब आप 200 के स्ट्राइक रेट को छूने की कोशिश करेंगे तो आपका क्या ख्याल है आपकी विकेट नहीं गिरेगी, आपकी विकेट गिरेगी, लेकिन आप मेक श्योर करोगे कि आप टीम के लिए खेलें, और इसी को टीम के लिए खेलना कहते हैं। गिल आज ठीक है, रन्स 34 जो किए हैं, गिल जाना जाएगा चौकों के लिए, चौके बड़े शानदार वो निकालता है, छक्के भी मारता है, नो डाउट अबाउट इट। तो 200 का स्ट्राइक रेट, वो जनाब जायसवाल वो देखें पहले ओवर से ही अटैकिंग क्रिकेट शुरू कर देते हैं, पहले ओवर से बिल्कुल भी कोई भी हल्का सा भी थोड़ा सा भी सुकून नहीं करने देते बॉलिंग साइड को। हल्की टीम है जिम्बाब्वे, इतना क्या अगर उनको मार मुर के आ गए हैं, तो श्रीलंका फिर भी बेशक के आगे सुपर 8 में नहीं गई, अच्छी टीम कंसीडर की जाती है, तो उसको जिस तरह से इन्होंने फेंटा है वो आपके सामने है। 6 ओवर में 74 रन, दिस इज हाउ यू प्ले T20 क्रिकेट। ये गंभीर अपने साथ क्या लेकर आए हैं? लेकिन देखिए आप पूछ रहे हैं कि गंभीर क्या लेकर आए हैं, मेरे ख्याल में ये एक ऐसा तोहफा जो है ये ऑलरेडी उन्हें मिला है ऑलरेडी। अब जिस तरह का टैलेंट था जब आज ओपन किया जायसवाल ने, और फिर उनके साथ शुभमन गिल ने जिस तरीके से, स्पेशली वो जो इनिंग्स के आगाज में जायसवाल ने जिस तरीके से शॉट्स खेली हैं, उसमें हमें उनकी फ्लिक्स भी नजर आई, फ्लैट छक्के भी नजर आए, चौके भी नजर आए, फिर शुभमन गिल ने में जो शुरू में जो दो कट्स मारी, उसके बाद उन्होंने स्ट्रेट बड़ी अच्छी शॉट्स मारी, छक्के भी लगाए, चौके भी लगे, 74 रन का पावर प्ले आया, कमाल कर दिया। और गिल, लेकिन आज जिस तरह वो मार रहा था, कुहाड़ा डस चौका डस, जिस तरह छक्का मारा, जिस तरह पुल मारा, जो हालांकि शुरू में बंद आप देख रहे थे, आप बल्कि मुझे कह रहे थे भाजी ने की माजरत हो रही है, लेकिन देखिए जिस तरह इस लड़के में इतने बड़े हादसे के बाद 1.5 साल बंदा क्रिकेट से बाहर है, जो इसके ऊपर एक लेबल था ये नहीं कर सकता। आज हालांकि लेस देन रन बॉल खेल रहा था, लेकिन जब ये छक्का मारता है, मोहसिन साहब आप भी कहते हैं एक हाथ से छक्का आ रहा है। और वर्ल्ड कप में आपको 2-3 जो फंसे हुए मैच थे वो पंत ने जिताए हैं, जायसवाल और गिल की बात करें, छक्के मतलब ये चाहे तो 1 ओवर में 6 छक्के भी मार सकते हैं। सही बात, सही बात। सिर्फ सूर्या भी आ रहे हैं। अच्छा दोनों कंप्लीमेंट दे रहे हैं एक दूसरे को, है शाबाशियां दे, ओए तू मार रहे है फिर मैं भी मारूंगा। 213 रन। आखिरी बात, अक्षर का तो लगता है जैसे अक्षर ने कसम खा ली है कि मैं नहीं छोड़ूंगा किसी को, आखिरी बाल पे भी छक्का। तो भाई यंग इंडिया का पहला मुकाबला था, और उस मुकाबले में यंग इंडिया ने क्या आग लगाई है, क्या इंटेंट दिखाया है श्रीलंका के सामने, उनके घर में जिस तरह से शुरुआत की है जायसवाल ने, अपनी धुआंधार अटैकिंग अग्रेसिव अप्रोच से मजा आ गया भाई, क्या इंटेंट दिखाया है इस युवा खिलाड़ी ने, और हम पाकिस्तान में बैठ के ऐसे ही इसके दीवाने नहीं है। आज के बाद गिल जो बहुत ज्यादा तनकीद की जद में थे, आज वो भी चमक दमक में नजर आए, कमाल के इंटेंट के साथ उन्होंने खेला, वाइस कप्तान वाली जिम्मेदारी लेके 200 के प्लस के स्ट्राइक रेट से उन्होंने खेला, और उसके बाद सूर्या कुमार यादव ने जो बारी खेली, जो इंडिया की युवा खिलाड़ियों की जो ओपनिंग बारी थी, उसको जो 4 चांद लगाए सूर्या कुमार यादव की बैटिंग ने, तो भाई कमाल ही कर दिया। बहुत जबरदस्त किस्म की बल्लेबाजी नजर आई है, वो इंटेंट जो कि इंडिया ने अपनी इस यंग क्रिकेट टीम को पिछली सीरीज से दी थी, वही इंटेंट आपको इस सीरीज में भी स्टार्ट में नजर आई है। तो वो जो एक अग्रेसिव इंटेंट नजर आई है टीम इंडिया में और उनके यंगस्टर्स के अंदर खास तौर पे, वो बहुत अप्रिशिएबल है। जो जबरदस्त किस्म की आज हमें सूर्य कुमार यादव की हमें इनिंग्स देखने को मिली है, वो भी बहुत अमेजिंग इनिंग्स, और ऋषभ पंत ने भी कोई कम नहीं किया, उसने भी अपनी जगह पे जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। और तो दोस्तों जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि आज भारत जीता है तो अपनी बल्लेबाजी की बदौलत, क्योंकि जिस तरीके से श्रीलंका भी आप आज बल्लेबाजी कर रही थी, ऐसा लग रहा था कि श्रीलंका ये मैच जीत जाएगा, लेकिन आखिर पर जाकर पिच थोड़ा स्लो हुआ, तब जाकर श्रीलंका की विकेट गिरे, तो श्रीलंका ये मैच हारा। लेकिन जिस तेजी के साथ आज भारत ने रन बनाए थे, भारत को अब देखना पड़ेगा आगे आने वाले मैचेस में, भारत को दो अगर इस तरीके की पिच रही तो 220 या 230 तक जाना पड़ेगा, क्योंकि श्रीलंका भी छोड़ने वाला नहीं है, श्रीलंका भी अच्छे बल्लेबाजी कर लेता है, और आज उन्होंने भी
पावर प्ले में अच्छे बल्लेबाजी की, लेकिन मतलब मानना पड़ेगा आज जायसवाल ने और गिल ने, जैसे गिल के ऊपर जो पेंडिंग था कि वो रन नहीं बना पा रहे हैं, अग्रेसिव नहीं खेल रहे हैं, गिल ने आज वो करके दिखा दिया। 212 के स्ट्राइक रेट के साथ आज उन्होंने खेला और जायसवाल तो हमेशा खेलते ही रहते हैं। और उसके बाद आ जाए सूर्य कुमार यादव की, तो सूर्य कुमार यादव ने भी आज अपने कप्तानी पारी के लिए जो मतलब उनसे ये आशा थी कि भाई ये कप्तान होकर क्या मतलब कैसे परफॉर्मेंस रहेगा, तो पहली कप्तानी में बहुत ही अच्छे झलक नजर आए और उसके बाद एक टीम परफॉर्मेंस के साथ श्रीलंका को टीम इंडिया ने हरा दिया। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन जरूर दबा दीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सके। और भारत इसकी जीत को लेकर आपका क्या राय है कमेंट सेक्शन पर जरूर मेंशन करिए। मैं रुकता हूं, जल्दी मिलूंगा नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।